हेलो बच्चों, कैसे हो? सब मस्त मस्त और मस्त ही होंगे। उम्मीद करता हूँ आप अपने घर में होंगे, सेफ होंगे और मस्ती तो करते ही होंगे, इसमें तो कोई शक है नहीं। आज हम लोग इशू ऑफ शेयर कैपिटल का लेक्चर नंबर 9 रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बेसिकली जो हम सीरीज लेके चल रहे हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जो अगर हम अपने लैंग्वेज में बोले तो 12th जिनको अभी एग्जाम देना है 2021 में, प्लस बीकॉम सेमेस्टर 4 के जो बच्चे होंगे सीबीसीएस पैटर्न वाले, और प्लस जो भी सीए फाउंडेशन वगैरह वाले भी होंगे उनके लिए भी ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जिसका सीरीज हम लेके चल रहे हैं 8 ऑलरेडी रिकॉर्ड है और यूट्यूब पर अपलोड है। रे कॉमर्स क्लासेस के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो रिक्वेस्ट है कि आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले मेथड्स ऑफ इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटी। बच्चों, हम अभी तक जो भी वीडियो अपलोड किए हैं सीरीज का, उसमें हम कंपनी का मीनिंग, कैरेक्टर, टाइप्स ऑफ कंपनी, उसके डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ शेयर, मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर, इन सभी के बारे में विस्तृत डिटेल से हमने स्टडी किया। अब हमें जो बेसिकली पढ़ना है वो अब यहां से प्रैक्टिकल प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम मेथड्स ऑफ इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। बाजार में कोई भी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो इनकॉर्पोरेट होने के बाद जब वो मार्केट में अपना सिक्योरिटी लेके आती है, शेयर लाती है या कोई भी चीज लाती है, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई उसकी प्रोसीजर कैसे होती है, उसको मार्केट में इशू कैसे किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो दो मेन कंपनी होती है जो हमें पढ़ना होता है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है ध्यान से आप देखिएगा, लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटी। एक लिखा हुआ है पब्लिक कंपनी, दूसरा लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी। बच्चों, पब्लिक कंपनी मार्केट में अपनी सिक्योरिटी तीन तरह से बेचती है, तीन तरह से इशू करती है। पहला हो गया अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, इसके बाद अंडर सेक्शन 54 और अंडर सेक्शन 62 क्लॉज 1 सबसेक्शन 6 में। मतलब अगर हम अपनी भाषा में बोलो बच्चों, तो पब्लिक कंपनी एज पर कंपनी लॉ 2013 इन अमेंडमेंट 17 और 19, उसके अनुसार तीन अंडर सेक्शन में ये डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कोई भी कंपनी मार्केट में अपनी सिक्योरिटी कैसे इशू करती है। तो हम सबसे पहले अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 की बात करते हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे सबसे पहले क्या करेगा पब्लिक कंपनी, पब्लिक इशू लेके आएगा, जिस पर यहाँ पर आईपीओ और एफपीओ लिखा हुआ है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर बच्चों, एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर। 12th के बच्चों जो 12th पास आउट है और बीकॉम में है, आपको याद होगा कि बीएसटी के बुक में एक चैप्टर जो हम सेबी पढ़ रहे थे, तो फाइनेंशियल मार्केट में आपको याद होगा कि वहां पर खासकर सेबी में जो हम सिक्योरिटी मार्केट की बात करते हैं, वहां दो तरह की बाजार होती है, जहां पर आपका दो कैपिटल मार्केट होती है और मनी मार्केट होता है। बच्चों याद होगा कैपिटल मार्केट में हमने बेसिकली एक क्लास पढ़ा था प्राइमरी मार्केट और सब्सिडरी मार्केट। अगर बच्चों उस बात को अगर आपको याद होगा तो ध्यान से समझिएगा, आईपीओ जो होता है वो बच्चों प्राइमरी मार्केट में आता है और एफपीओ जो होता है बच्चों वो सेकेंडरी मार्केट में आता है। कहने का मतलब है कि जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में अपनी सिक्योरिटी लॉन्च करती है उसे हम आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर बच्चों कोई कंपनी एक बार ऑलरेडी शेयर बाजार में ला चुका है और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर वो एक बार शेयर सेल परचेज की मोड में चला गया है, फिर दोबारा अगर उसकी ट्रांजेक्शन हो रही है तो फर्दर पब्लिक ऑफर कहे जाते हैं, या दोबारा से कंपनी फिर से अगर कोई नई शेयर ही ला रही है, फर्स्ट टाइम नहीं फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जितना भाई शेयर ला रही है वो सारे मान लिया फर्दर पब्लिक ऑफर कहलाते हैं। ठीक है, ये दो मार्केट आपको याद होगा, हम इस मार्केट पर बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि सिक्योरिटी मार्केट नहीं, दो मार्केट के बीच में ट्रांजेक्शन करती है। ठीक है, दूसरा है बच्चों प्राइवेट प्लेसमेंट अंडर सेक्शन 24। यहां पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 200 ऑफर इन वन फाइनेंशियल ईयर फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटीज। कैसे, कहने का मतलब है बच्चों कि आप सोच रहे होंगे कि चलो सर हमने एक प्राइवेट एक पब्लिक कंपनी बना लिया, पब्लिक कंपनी बना लिया और हमने पब्लिक कंपनी बनाने के बाद अपने कंपनी का कैपिटल 1000 करोड़ रख लिया। कितना करोड़ रख लिया? 1000 करोड़। मतलब बच्चों मैंने मान लो कि XYZ लिमिटेड मैंने बना लिया और इसकी कैपिटल हम लोगों ने डिसाइड किया
1000 करोड़। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि 1000 करोड़ उनकी ऑथराइज कैपिटल है, वो अपने लाइफ में इतना पैसा लगाएंगे कंपनी में। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम आपसे करना चाह रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपए जो लगाना है, शुरुआत में तो 7 मेंबर आते हैं, प्रोमोटर बन के पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करा लेते हैं। अब बहुत बच्चे के दिमाग में आता है कि क्या सर, जैसी पब्लिक कंपनी बनती है तो, जहां तक 12th के बच्चों हैं जो पढ़े, उनको आइडिया होगा कि पब्लिक कंपनी बनने के बाद उनको इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट मिलता है, फिर उनके अपने टोटल शेयर जो मार्केट में वो इशू करना चाह रहे हैं उसका 90% सब्सक्रिप्शन होने के बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलता है, तभी वो अपना बिजनेस कर पाते हैं, प्राइवेट कंपनी में तो ऐसा है नहीं। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि 1000 करोड़ मान लीजिए हमको टोटल लाइफ टाइम लगाना है कंपनी का, मान लो शुरुआत में बच्चों कि 1000 करोड़ के जगह मार्केट में शुरू में मान लो कि 800 करोड़ लगाने का विचार आया कि हम शुरू में अपने कंपनी में 800 करोड़ लगाना चाहते हैं, या मान लो 800 करोड़ ना लगा के हम कंपनी को अपने शुरुआती मोड में लाने के लिए 100 करोड़ लगाना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ख्याल आता है कि क्या सर, जैसी कंपनी मार्केट में आएगी और 1000 करोड़ रुपए मान लो उनकी टोटल कैपिटल है, लेकिन वो शुरू में 100 करोड़ लगाना चाहते हैं कंपनी में, तो क्या वो तुरंत पब्लिक इशू करेंगे, क्या वो तुरंत शेयर मार्केट में जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, खुद को रजिस्टर्ड करेंगे और वहां से सेल परचेज करना चालू कर देंगे शेयर का? अगर प्रैक्टिकल देखा जाए बच्चों तो ये लॉजिक गलत है। कहने का मतलब है कि जब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कराया तो उस समय आपकी मार्केट में कोई गुडविल भी नहीं है, लोग आप पर भरोसा कैसे करें कि आपकी कंपनी में पैसा लगा दे, और उस समय आप पर कोई भरोसा नहीं करता है, आपको कोई उतना पैसा देगा नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा डूब गया तो बेचारे वो मर जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर ये XYZ लिमिटेड अगर मुकेश अंबानी ने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया तो सिर्फ अंबानी ग्रुप्स के नाम आने के साथ ही लोग 1000 करोड़ रुपए दे सकते हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी ब्रांड वैल्यू बना हुआ है मार्केट में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो पब्लिक इशू पॉइंट है पहला अंडर सेक्शन 23(1) में, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों की लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहले कोई भी कंपनी जब मार्केट में आती है तो वो पब्लिक इशू ना करके प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि शुरू में जो 7 लोग प्रमोटर होते हैं जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, फिर वो कुछ पैसा अपना लगाते हैं और कुछ पैसा लगा के बिजनेस को खड़ा करते हैं। बिजनेस को खड़ा करने के बाद बच्चों उसकी 1-2 साल 4 साल तक उसको बहुत अच्छे लेवल पर लेके जाते हैं, बिग प्रॉफिट कमाते हैं, लगातार उनकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बढ़ती जाती है, बैलेंस शीट बढ़ती जाती है। जब मार्केट में उनका नाम बन जाता है, ब्रांड बन जाता है, तब मार्केट में अपना सिक्योरिटी लाने के बारे में सोचते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखे होंगे मेरा लिखा हुआ है ओयो रूम और स्विगी, ये दो नाम बच्चों बढ़िया से जानते हैं। ओयो रूम जो बड़े बड़े सिटी में होटल का काम करती है, और स्विगी जिससे आप खाना डिलीवर करते हैं, कभी ना कभी जिंदगी में जरूर मंगाए होंगे। तो ये दो ऐसी कंपनी है जिसको बनाने वाले ने पहले खुद का पैसा लगाया, मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस जमाया, खूब प्रॉफिट कमाया, मार्केट में ब्रांड वैल्यू बनाया, तब इसके बाद दिमाग में आइडिया आया कि अब इसकी मुझे आईपीओ लानी चाहिए। मुझे एग्जांपल याद है और याद पड़ रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो आपका एक कंपनी है जो फूड इंडस्ट्री में रहती है, वो खाने वाली चीज बनाती है, मुझे ठीक से याद नहीं पड़ रहा है, अभी आगे चल के बताऊंगा। मुझे याद है इन पेपर में मैं पढ़ रहा था कि 2-4-5 साल बाद अच्छी खासी मार्केट में रेपुटेशन बनाने के बाद, अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू बनाने के बाद, हाँ याद पड़ा, डायमंड्स का, जो डायमंड्स का आते हैं जिसके वो रिंग आते हैं बच्चों को खाने वाले, जो डायमंड कंपनी जो रिंग बच्चों को खाने वाली बनाती है, अभी कुछ साल पहले उनकी फर्स्ट टाइम आईपीओ आई थी। तो आईपीओ का मतलब है कि कंपनी बनाने वाले लोग पहले अपना पैसा लगाते हैं, खूब अच्छा खासा बिजनेस करते हैं, फिर जब बिजनेस अच्छा खासा जम जाता है, लोग मार्केट में उनकी नाम और वैल्यू जान लेते हैं, तब वो मार्केट में जाते हैं इन्वेस्टर के पास, क्योंकि इन्वेस्टर तब तक आप पर भरोसा नहीं करेंगे जब तक आप बाजार में गुडविल नहीं बनाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले जब आपका अच्छा खासा गुडविल बन जाता है तो भी लोग पब्लिक इशू ना करके पहले प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि मैक्सिमम 200 ऑफरिंग इन वन फाइनेंशियल ईयर फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी, मतलब आप एक साल में अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट आईपीओ नहीं लाना चाहते हैं, तो आप एक फाइनेंशियल ईयर मतलब जो अप्रैल टू मार्च चलता है उसके दरमियान आप 200 लोगों को अपना सिक्योरिटी बेच सकते हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर का मतलब समझ में आ गया, अप्रैल टू मार्च। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी, ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी का मतलब बच्चों आप जहां तक जानते हो जो 12th पास आउट बच्चे हैं या जो 12th अभी कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी के बारे में बता दूं,
सिक्योरिटी में बेसिकली फेमस है इक्विटी शेयर, फिर फेमस है प्रेफरेंस शेयर, और फिर जो फेमस है डिबेंचर। तो कहने का मतलब हुआ कि प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर एक पब्लिक कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर इन तीन तरह के सिक्योरिटी 200 लोगों को इशू कर सकती है, यानी वो 200 इक्विटी शेयर रख सकती है, 200 के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर ला सकती है और 200 के लिए डिबेंचर। यानी कुल मिला के एक सालों में प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर एक पब्लिक कंपनी टोटल 600 लोगों को कनेक्ट कर सकती है, अगर वो अभी पब्लिक इशू नहीं करना चाहती है। अभी उसका मूड नहीं है पब्लिक इशू करने का, मार्केट अच्छा जम चुका है, फिर भी वो ज्यादा लोगों को अटैच करना नहीं चाहती, अभी चाहती है कि हम प्राइवेट प्लेसमेंट करें, अपने गिने चुने लोगों को या अपने जान पहचान वाले को दें या कुछ सेलेक्टेड पीपल को दें, तो एक सालों में 200 लोगों को अपना शेयर बेच सकती है। लेकिन ईच काइंड ऑफ शेयर का मतलब है कि इक्विटी शेयर के लिए भी 200 लोग होंगे, प्रेफरेंस शेयर के लिए भी 200 लोग होंगे और डिबेंचर के लिए भी 200 लोग होंगे। कुल मिला के बच्चों कितना हो जाएंगे, 600 लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट किया जा सकता है। आप नीचे देखे होंगे यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है, यहाँ इक्विटी शेयर है बेटा, तो यहाँ पर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है। इक्विटी शेयर हो गया, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप समझना चाहेंगे तो ध्यान से देखिएगा, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में आपका प्रेफरेंस शेयर भी आ जाएगा और डिबेंचर भी आ जाएगा, और नॉन कन्वर्टेबल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा और यहाँ पर भी डिबेंचर आ जाएगा। तो बेसिकली तीन मेन सिक्योरिटी होता है जिसके अंदर हम प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं और मैक्सिमम 200 लोगों को हम अपना सिक्योरिटी इशू करते हैं, और 200 ऐसा करके बच्चों, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 200 करके थ्री कैटेगरी बन जाएगा तीन सिक्योरिटी का, जो टोटल 600 शेयर होल्डर हो जाएंगे, 600 होल्डर हो जाएंगे, जिसमें प्रेफरेंस शेयर भी होंगे, इक्विटी शेयर भी होंगे और डिबेंचर होल्डर भी होंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला समझ में आ गया पब्लिक इशू, जो कंपनी फर्स्ट टाइम आईपीओ लेके आती है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस आज बना और कल शेयर बेचने लगे, पहले हम अपना पैसा लगा लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, फिर अच्छा खासा पैसा मार्केट में अपना आ जाता है, रेपुटेशन बन जाता है, तो फिर वो अपना आईपीओ लेके आती है। लेकिन आईपीओ से पहले वो क्या ला सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है। फिर इसके बाद होता है राइट इशू, राइट इशू अंडर सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए बोनस इशू टू ऑल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अंडर सेक्शन 63। एक ये भी तरीका है जिसमें क्या होता है कि एक कंपनी अपनी शेयर लेके आती है और वो पब्लिक इशू ना करके, वो प्राइवेट प्लेसमेंट ना करके राइट इशू करेगी। राइट इशू का मतलब क्या है बच्चों, कि मान लिया कि मुकेश अंबानी का रिलायंस है, रिलायंस में 40-45 लाख शेयर होल्डर है, आज के डेट में फिर 1 करोड़ रुपए का शेयर मार्केट में बिकने वाला है, तो कंपनी क्या चाहती है कि इस बार हम बाहर वाले को शेयर ना देके हम अपने पुराने शेयर होल्डर से ही पूछ लें कि भाई अभी 1000 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करना है रिलायंस में, हम उसके लिए शेयर लेके आ रहे हैं, तो क्या आप खरीदना पसंद करेंगे। एक तरह का राइट दे दिया गया कि 1000 करोड़ का जो शेयर बिकने वाला है ये बाहर के नए लोग नहीं खरीदेंगे, पुराने लोग ही खरीदेंगे, जो 45 लाख शेयर होल्डर हमारे कंपनी में हैं, हम उन्हीं को परचेज करने का मौका देना चाहते हैं। हाँ, वो नहीं खरीदना चाहे तो बात की चीज है, लेकिन वो खरीदेंगे क्योंकि वैसे भी कंपनी रेपुटेड है। तो ये क्या हो गया, राइट इशू। और बोनस इशू का मतलब होता है बच्चों कि एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉय होते हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, कंपनी अच्छा खासा मार्केट चल रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, तो कंपनी के ओनर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को उनकी एफिशिएंसी पावर बढ़ाने के लिए, उनको उनसे खुश होकर उनके काम के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए उन्हें यहाँ पर बोनस इशू किया जाता है, जिसमें क्या होता है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दिया जाता है, पैसे के नाम पर कुछ भी नहीं लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि जो मार्केट प्राइस चलती है शेयर का, वो वैल्यू गिर जाता है, लेकिन उसका बेनिफिट भी है कि फिर मार्केट में एकाएक उस शेयर की डिमांड बढ़ जाती है। इसकी चर्चा आगे करेंगे, लॉ का पॉइंट है, बट आप इतना भी समझिए एज अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके बाद अंडर सेक्शन 54 आता है जिसमें स्वेट इक्विटी शेयर होते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर एक तरीका है शेयर इशू करने का। स्वेट इक्विटी, स्वेट मतलब सीधा सा बात समझना बच्चा, पसीना, मतलब जो इम्प्लॉय मार्केट में, जो इम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा है और कंपनी को अपने ईमानदारी पूर्वक अपना समय दे रहा है, मालिक के प्रति वफादार है, खूब मेहनत कर रहा है, खूब पसीना बहा रहा है, खूब हार्डवर्किंग कर रहा है, ऐसे कंडीशन में जो ओनर होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा एम्प्लॉय हमारा कंपनी छोड़ के भागे, ऐसा एम्प्लॉय को कोई परेशानी हो, तो जो शेयर इशू करते हैं मार्केट में कभी कभी उनके लिए भी लेके आते हैं, उसको क्या बोला जाता है, स्वेट इक्विटी शेयर। देखिए लिखा हुआ है स्वेट इक्विटी शेयर इम्प्लॉय गिव टू एडिशनल वैल्यू, किसको किसको मिलता है, मेडिकल साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कंपनी सेक्रेटरी, मतलब जब मेडिकल साइंस में मान लीजिए कोई अच्छा खासा वैज्ञानिक है, कोई
मेडिसिन पर रिसर्च कर रहा है, मेडिसिन मार्केट में आ गया, उस कंपनी को उस मेडिसिन का पेटेंट मिल गया तो खुद से कंपनी कुछ शेयर उनको अलॉट कर देती है। उसी तरह कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर का पेटेंट कंपनी को मिल गया, उससे करोड़ों रुपए का बेनिफिट होने वाला कंपनी को, तो उस इंजीनियर को जो है थोड़ी शेयर कुछ मात्रा में शेयर दे दी जाती है। तो इस तरह करके ये स्वेट इक्विटी शेयर होता है। इसी का एक अंडर सेक्शन 62 सब सेक्शन 16 है जिसमें एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान ईसॉप बोला जाता है, इसके अंदर भी शेयर इशू किए जाते हैं। कुल मिला के देखिए तो पांच तरह से शेयर इशू किया जा सकता है, पब्लिक ऑफिस, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और बोनस इशू, स्वेट इक्विटी शेयर और लास्ट है बेटा एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान ईसॉप। बेटा समझना सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पर हम जो भी शेयर बेचते हैं खासकर बोनस शेयर को छोड़ के, यहाँ पर कंपनी में जो भी बोनस एम्प्लॉय को दिया जाता है उनसे तो पैसा नहीं लिया जाता है, बाकी में तो पैसे देने पड़ते हैं। फिर यहाँ स्वेट इक्विटी शेयर है इनको भी यहाँ पर मिल जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को, जहां पर शेयर इशू नहीं होता इम्प्लॉय के नाम पर, यहाँ पर इम्प्लॉय को एक ऑप्शन दिया जाता है फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। क्या लिखा हुआ यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस स्टॉक में क्या बोल रहे हैं, लेटर ऑफ ग्रांट इशू होता है आपको, एक्सरसाइज प्राइस आपको मिलेंगे, वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन मिनिमम वन ईयर गारंटिंग एंड वेस्टिंग, चौथा पॉइंट है इम्प्लॉय पे एक्सरसाइज प्राइस रिक्वायर्ड टू कंपनी टू कन्वर्ट ऑप्शन इनटू इक्विटी शेयर। कहने का मतलब है एग्जांपल में देखिएगा टीसीएस है, विप्रो है और आईबीएम है, मैं इन तीनों का ही नाम क्यों लिखा, तीनों आईटी इंडस्ट्री है। बात समझिएगा, आज हमारे इंडिया में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात चल रहा है उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब है ब्रेन मतलब दिमाग, ड्रेन माने नाली। हमारा जो इंडिया है वो एक नाली के जैसा है, यहाँ अच्छे से आईटी इंजीनियर पढ़ते हैं, अच्छा खासा नॉलेज लेते हैं, और इस ड्रेन और नली के हिसाब से, ये नली में क्यों एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि ड्रेन एक रास्ता है जो जाकर निकलती कहां है, अमेरिका में। जैसे किसी शहर में ड्रेन होते हैं उसका सारा कचरा का पानी बाहर शहर से निकलता है, ठीक उसी प्रकार इंडिया से ड्रेन स्टार्ट होती है, अमेरिका में जाकर रुक जाती है। क्या करते हैं लोग यहाँ पर आईटी सेक्टर में काम करते हैं, दिन भर काम किए, शाम को घर है, ऊपर मस्त टाई हुई लगा, शर्ट बट पहने और ब्लेजर वगैरह पहने और लैपटॉप के सामने बैठ के ऑनलाइन इंटरव्यू दे दिए, बैठे बैठे बैंकॉक में, वाशिंगटन में और लास वेगास में आपका इंटरव्यू हो गया, दो चार दिन बाद ज्वाइनिंग लेटर आया, आप यहाँ रेजिग्नेशन दिए और फिर से फ्लाइट पकड़े उड़ गए। तो ऐसे कंडीशन में अच्छे ऐसे इम्प्लॉय हमारे इंडिया से बाहर चले जाते हैं और कंपनी को नुकसान होने लगती है। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे लोग को रोक के रखने के लिए, ऐसे लोग को अपने पास बचा के रखने के लिए एक दिमाग लगाए जिसको क्या क्या आ गया, ईसॉप इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसमें एक लेटर ऑफ ग्रांट आपको मिलता है, मतलब एक लेटर आपके नाम पर इशू होता है, शेयर इशू नहीं होता है। आपको लेटर में लिखा रहता है एक्सरसाइज प्राइस, यानी जो मार्केट में रेट चलेगा उसका 1/4 या 1/50, यानी बोले तो अगर 100 रुपए का शेयर है तो या तो 20 रुपए में या हार्डली हार्डली 25 रुपए में आपको मिल जाएंगे। अगर मार्केट में 1000 रुपए का रिलायंस का शेयर चल रहा है, 2000 रुपए का रिलायंस का शेयर चल रहा है, तो आपको 75% डिस्काउंट पर मिल जाएगा, आपको 25% खाली पे करना है, ठीक है बच्चों। वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन, इसके लिए क्या है इम्पोर्टेंट, एक टाइमिंग मिलता है कि अगर आप अच्छे से काम करेंगे, हमारे यहाँ टिक कर रहेंगे एक साल होता, तो एक साल के बाद ये ऑप्शन आप पर अप्लाई हो जाएगा, आपको ये शेयर आपके नाम पर अलॉट हो जाएंगे और आपको मान कितना परसेंट पेमेंट करना पड़ेगा, 1/4 बोले तो बच्चों 25% और 1/5 बोले तो बच्चों 20%। और लास्ट में क्या लिखा, एम्प्लॉय पे एक्सरसाइज प्राइस, एम्प्लॉय पे कर देता है जाएगी कंपनी को एक्सरसाइज प्राइस, ये जो भी 25% या 20% हुआ, और फिर वो शेयर आपके नाम पर अलॉट हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मान लिया आप इंडिया में काम कर रहे हैं, अब इंडिया में मान लो किसी आईटी इंजीनियर का पैकेज है 20 लाख और वही जाके काम करेगा अगर अमेरिका में, तुमको मिलेंगे 50 लाख, तब वो सोचेंगे सर उतना पैसा वहां मिल रहा है तो हम यहाँ क्यों रहे, हम फॉरेन जाएंगे। तो मान लो कि आपको यहाँ पर 25% पर शेयर मिल गए, एक शेयर कितने का है मान लो 1000 रुपए का, और मान लो कि आपको 1000 शेयर अलॉट हो गया, कितना शेयर हो गया अलॉट, आपको मात्र देना कितना पड़ा, तो 250 रुपया के हिसाब से 1000 गया तो 25% कितना होगा बच्चों, 250 गुना 1000 करोगे तो कितना आएगा, 250 गुना 1000 करो तो आपको पता चल जाएगा 2.5 लाख होते हैं। अभी 2.5 लाख रुपए में आप 10 लाख का शेयर ली क्योंकि उनकी 1000 की वैल्यू थी, 1000 गुना 1000 करेंगे तो कितना आएगा, 10 लाख आते हैं, तो आपको 7.5 लाख रुपए का बेनिफिट हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी एक तरीका है जिसके अंतर्गत मार्केट में कंपनी शेयर इशू करती है। तो इश्यूएंस ऑफ मेथड ऑफ इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटी में हमने पब्लिक कंपनी का बात किया, जिसमें हमने टोटल 5 तरह के जिक्र किए, 5 वे होता है मार्केट में शेयर इशू करने के लिए। तो मेन तो पब्लिक इशू होता है, क्योंकि पब्लिक इशू में जब मार्केट में शेयर इशू जाते हैं तो हजारों करोड़ लोग पब्लिक कंपनी में आकर शेयर में पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करने को तैयार रहेंगे। लेकिन कुछ और चीजें हैं, जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट है तो एक साल में आप सिलेक्टेड हैं कि आपके पास अगर 3 तरह का सिक्योरिटी है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, तो आप 200 लोग ही रख सकते हैं, कुल मिला के 600।
लेकिन इम्पोर्टेंट जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट वो पब्लिक इशू ही होता है, क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर इन्हीं के थ्रू बेचे जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कंपनी अपने सिचुएशन के हिसाब से अपनी परिस्थितियों को देखते हुए कंपनी लॉ में अलग अलग तरह का अंडर सेक्शन में फॉर्मेट ड्राइव है कि कौन से कंडीशन के अंतर्गत हम किस तरह से सिक्योरिटी बेच सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो मेन ये आपका पब्लिक कंपनी का पूरा डिटेल था कि आप कैसे मार्केट में सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं, जिसका मेन था पब्लिक इशू, जिसमें अगर पहली बार कोई कंपनी शेयर लेके आया तो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, अगर उसके बाद भी लाते रहा था बाद में लाया तो फर्दर पब्लिक ऑफर। सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये समझाना चाह रहा था बच्चों कि कोई जरूरी नहीं है कि कंपनी जैसे इनकॉर्पोरेट होता है आप उसके बाद मार्केट में शेयर बेच ही जाए पब्लिक को, आप चाहें तो शुरुआत में भी जो लोग हैं वो जितनी जरूरत का पैसा है, जितना पैसा शुरू में लगा के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं उतना पैसा आप अपने लगाएं। जैसे मान लिया कि 100 करोड़ था तो 100 करोड़ का 90% मान लेकर आप मार्केट में 100 करोड़ इशू करते तो 100 करोड़ का 90% कितना होता है 90 करोड़ रुपए हमें पब्लिक से लेना होता, तब हमें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलता। ऐसा नहीं है, आप खुद से लगा लो स्टार्टिंग प्रिलिमिनरी खर्चे और जो भी स्टार्टिंग खर्चा आप लगा के पहले बिजनेस को चालू कर लो, धीरे धीरे फिर जब जरूरत पड़े आपको लगे कि आप मार्केट में आईपीओ लाना चाहिए तो आप ला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों को मैं यहाँ कनेक्ट कर दिया और लिख दिया टू द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मतलब ये दो ऐसे मेथड है स्वेट इक्विटी से और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो इम्प्लॉय को इशू किया जाता है, बाहर वाला कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, बाहर ये कोई भी शेयर होल्डर यहाँ नहीं आएंगे, बाहर ये कोई भी न्यू पर्सन नहीं आएगा, जो भी आएगा यहाँ पर पुराने इम्प्लॉय ही रहेंगे जो कंपनी में काम करते हैं, ठीक है बच्चों। फिर उसी तरह हम प्राइवेट कंपनी का बात करते हैं, अगर आपको पूरा पब्लिक कंपनी का प्रोसीजर समझ में आ गया तो प्राइवेट कंपनी का बात करते हैं। लिखा हुआ है ऑल मेथड अप्लाइड एक्सेप्ट पब्लिक इशू, यानी ये सारे मेथड इधर लिखे हुए हैं प्राइवेट कंपनी में अप्लाई होगा, यानी प्राइवेट कंपनी में इम्प्लॉय स्टॉक प्लान भी चलेगा, स्वेट इक्विटी शेयर भी चलेगा, राइट और बोनस भी चलेगा और प्राइवेट प्लेसमेंट भी चलेंगे, बट पब्लिक इशू नहीं चलेगा। अगर अपनी भाषा में बोलूं तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट प्लेसमेंट भी होता है, राइट इशू भी चलेगा, बोनस भी चलेगा, स्वेट इक्विटी शेयर से भी प्राइवेट कंपनी शेयर बेचेगा, इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी लगेगा, बट पब्लिक इशू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में ये तीन रिस्ट्रिक्शन में डाला गया है, जिसमें लिखा गया है कि आप शेयर पब्लिक को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, आपका मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ये तरह का रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है, इसलिए इनको पब्लिकली मार्केट में जाके शेयर बेचने का राइट नहीं है, ये स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे रजिस्टर्ड होंगे, अगर इनका मन है तो नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आप वहां जा सकते हैं सेबी के पास, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, लेकिन लिमिटेड में बेचेंगे, अपने रिश्तेदार को बेचेंगे। इसलिए मेरे को लगता है, मेरे को जहां तक ऐसा लगता है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो रजिस्ट्रेशन ना भी करे स्टॉक एक्सचेंज में तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपने लोकल रिलेटिव में अपना वो शेयर बेच सकता है। लेकिन हाँ, प्राइवेट कंपनी में जो 200 मेंबर का जो मेन रिस्ट्रिक्शन होता है उसमें अगर कोई इम्प्लॉई है, मान लो कोई कंपनी में काम करते करते मान लीजिए कि शेयर खरीद लिया कंपनी का, तो उसको मेंबर में काउंट करने की जरूरत नहीं है, या वो करंट इम्प्लॉय हो या एक्स इम्प्लॉय हो उनकी काउंटिंग नहीं होती है। जैसे मान लो कि टोटल 300 लोगों को आपने शेयर बेचा, उसमें से 100 लोग आपकी कंपनी के इम्प्लॉय थे, तो भी आपको 200 भी काउंट करना है, वो 100 की काउंटिंग नहीं होगा। मान लीजिए आप 150 लोग को शेयर बेचे हैं और उसमें से 50 इम्प्लॉय हैं, तो 100 भी लोग शेयर होल्डर में गिने जाएंगे, अभी 100 लोग और आप शेयर बेच सकते हो, 50 जो इम्प्लॉय हैं उनको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ रिलेटेड था पब्लिक इशू से, आईपीओ से रिलेटेड टॉपिक था जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ऑफर फॉर सेल अंडर सेक्शन 28 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सेल आउट ऑफ ओन एग्जिस्टिंग शेयर टू आउटसाइडर, यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट ऑफ आईपीओ ऑब्लिक एफपीओ। एक बात समझिएगा कि एग्जांपल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक अंडर सेक्शन 28 है जो ये मेथड ऑफ इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटी के प्रोसीजर में आता है, इसलिए मैं अलग से लिखा। एक एग्जांपल है, मान लिया कि मिस्टर एक्स को मैंने अंबानी है, वो एक बिजनेस करना चाहते हैं, 5-स्टार होटल के सेक्टर में आना चाहते हैं, जैसे ताज होटल हो गया, ओबराय हो गए, इस तरह वो 5-स्टार होटल में आना चाहते हैं। मान लो शुरुआती कैपिटल 50,000 करोड़ लगाना चाहते हैं, 50,000 करोड़ लगाना चाहते हैं, पर शेयर मान लो 10 रुपए के हिसाब से, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया 5,000 करोड़। अब जैसा मैं आपको बोला था कि मान लो कि वो पब्लिक कंपनी बनाया है, लेकिन शुरुआत में कोई जरूरी नहीं है कि वो अपना पब्लिक इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट या कोई भी, शुरुआत में कोई शेयर बेचना नहीं चाहते हैं, उनके पास इतना पैसा है, तो मान लो शुरुआत में क्या करते हैं कि सारा का सारा शेयर खुद ही खरीद लेते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोमोटर होंगे, जैसे आपको याद होगा सालोमन वर्सेस सालोमन एक केस था कंपनी लॉ में या बिजनेस लॉ में, तो मेरा मानना है कि मान लो उनकी पूरी फैमिली, मुकेश अंबानी, उनकी वाइफ, उनके बेटे, उनकी बेटी, सारे लोग ने मिलकर 5,000 करोड़ का शेयर पूरा का पूरा खुद ने परचेज कर लिया। ऐसा नहीं बोल रहा हूं अभी कोई पब्लिक ऑफर नहीं आया, सीधा सीधी समझ लेना कि प्राइवेट प्लेसमेंटर वो सारे मिलकर खरीद लिया,
या जो प्रमोटर थे कंपनी शुरू में स्टार्ट किए और सारा का सारा शेयर खुद ही परचेज कर लिया, अभी बाहर किसी को इशू करने की जरूरत नहीं है। एक बात और है, पब्लिक कंपनी बनाने का मतलब बच्चा बेटा यही नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि जितना भी हम कैपिटल है वो मार्केट से लगाना है। अगर हम पब्लिक कंपनी बनाया सात लोग मिलकर कैपेबिलिटी है 1000 करोड़ लगाने को तो हम लगा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट में हमें आईपीओ इशू करना है, हमें शेयर इशू करना ही है, ठीक है। तो मान लो कि वो 5000 करोड़ का शेयर सारा का सारा खुद परचेज कर लिए, 5000 × 10 करके 50000 करोड़ लगा लिए, अपना होटल का बिजनेस स्टार्ट कर लिए, मार्केट में अच्छा खासा चल रहा है और खूब प्रॉफिट कमा रहे क्योंकि उनके अलग ही ब्रांड वैल्यू है। एक दिन ऐसा होता है कि उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम इसमें से कुछ शेयर बेच दे मार्केट में, ठीक है। और वो शेयर मान लो कि मुकेश अंबानी खरीदे हुए हैं, मान लो कि 5000 में 2000 शेयर जो है ये वाली मुकेश अंबानी खरीदे हैं और 3000 शेयर जो बैलेंस है उनके फैमिली के अलग अलग मेंबर पर अलॉट है। कल के डेट में क्या करते हैं कि यहाँ पर ये मुकेश अंबानी अपने 2000 शेयर सेल आउट कर देते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। यानी अब बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप सोच रहे हो कि सर ये तो पब्लिक इशू किए नहीं, ये तो खुद शेयर खरीद लिए थे डायरेक्टली, इन्होंने कभी आईपीओ तो छोड़ा नहीं है, तो जब ये मार्केट में दोबारा शेयर बेचने जाएंगे तो इनको कैसे अलॉटमेंट होगा शेयर बेचने का, क्योंकि इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में कोई रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया, आईपीओ लेके आए नहीं, पब्लिक कुछ पता नहीं है, वो डायरेक्ट शेयर बेचना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है बच्चों की जब एक आम इंसान 7-8 मिलकर कंपनी चालू की, मुकेश अंबानी उनकी फैमिली, और सारा पैसा खुद लगाए थे तो पब्लिक कंपनी तो बनी थी, कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड तो थी, तो कंपनी लॉ में एक अलग से अंडर सेक्शन 28 आता है जो परमिटेड करता है कि विदाउट स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन के बाद भी या बिना आईपीओ लाए भी आप मार्केट में शेयर बेच सकते हैं, कोई रोकटेक नहीं करेगा, उसी को क्या नाम दिया गया ऑफर फॉर सेल। तो मान लो बच्चों की वो 2000 करोड़ शेयर जो मुकेश अंबानी के नाम पर था वो बेच दिया, यानी 40% शेयर मुकेश अंबानी के पास था, 60% शेयर अदर पर्सन के पास है। अब वो अपना 2000 करोड़ जो शेयर इस होटल बिजनेस में अपना खरीदे थे, यानी 2000 × 10 करोड़ बच्चों तो याद होगा 20000 करोड़ हो गया, यानी 20000 करोड़ रुपए का जो शेयर मुकेश अंबानी अपने नाम पर अलॉट किए थे, आज के डेट में मार्केट में मान लो कि वो 10 रुपए शेयर का दाम फिलहाल कितना मार्केट में चलने लगा 50 रुपए, यानी 10 रुपए का शेयर खरीदे थे लेकिन आज के डेट में मार्केट में वो एक शेयर की वैल्यू कितना हो गई मार्केट प्राइस 50 रुपए। मार्केट प्राइस कैसे बढ़ती है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कमेंट्री के रेशियो एनालिसिस वगैरह पढ़े होंगे तो अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, नेट एसेट्स वैल्यू निकाला जाता है उससे पता चलता है। तो बच्चों आज के डेट में मार्केट वैल्यू इनका कितना हो गया 50 रुपए, तो 2000 करोड़ जब बेचे 50 रुपए के हिसाब से तो टोटल कितना पैसा आ गया 1,00,000 करोड़। तो अब इम्पोर्टेंट बात है, आप सोच रहे होंगे कि 1,00,000 करोड़ किसको मिलेगा, इससे कंपनियों क्या बेनिफिट है। बेटा ये जो होटल बिजनेस में इनका जो रिलायंस का एक नया ब्रांच खोला और जो मुकेश अंबानी ने इस कंपनी को ओपन किया, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो 1,00,000 करोड़ रुपए है ये कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये सेपरेट शेयर था मुकेश अंबानी का। टोटल शेयर भरे मुकेश अंबानी के फैमिली खरीदे हो लेकिन मुकेश अंबानी का जो शेयर था वो पर्टिकुलर पर्सनल शेयर था, और वो जो उन्होंने बेचा 20,000 करोड़ का शेयर टोटल अमाउंट में 1,00,000 करोड़ में बिक गया, वो टोटल का टोटल पैसा मुकेश अंबानी खाते में जाएगा। भले बाद में फिर उनका शेयर वहां से निकल गया, बाकी उनकी फैमिली और मेंबर का वहां पर शेयर है, तो ये पूरा का पूरा 1,00,000 करोड़ का जो शेयर बिका वो किसके खातों में जाएगा, किसके बैंक अकाउंट में जाएगा बच्चों, तो मुकेश अंबानी के बैंक अकाउंट में जाएगा। तो मैं बता देना चाह रहा था और अच्छे से समझा देना चाह रहा था कि पब्लिक इशू के साथ एक जुड़ा हुआ है ऑफर फॉर सेल, जिसमें कंपनी का जो मेन प्रमोटर होता है वो सारा पैसा खुद लगाता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है और कल के डेट में बिना मार्केट में आईपीओ और एफपीओ लाए, बिना मार्केट में रजिस्टर्ड हुए, बिना शेयर मतलब बिना शेयर को इशू किए वो जब चाहे अपना शेयर ऑफर फॉर सेल के अंदर मार्केट में बेच सकता है, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और आती है जो खासकर प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड है, अंडर सेक्शन 62 सबसेक्शन 1C में है, जिसे प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट बोला जाता है। ये भी एक तरह का प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड है, कभी कभी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ना करके प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट कर देती है, ये भी शेयर बेचने का एक तरीका है। तो आप समझिएगा यहाँ नीचे जो मैंने भी प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में आपको बता रहा था कि प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर 3 तरह के सिक्योरिटी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल डिबेंचर होते हैं। आप पर के लिए 200 मेंबर रख सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल टू मार्च में, 200 इक्विटी शेयर होल्डर, 200 प्रेफरेंस शेयर होल्डर और 200 डिबेंचर होल्डर। तो यहाँ पर जो प्रेफरेंस जो आपका प्राइवेट प्लेसमेंट अंडर सेक्शन 42 में सेम इसी तरह का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, बट एक ही फर्क है बेटा, आप यहाँ पर ध्यान से चार्ट को देखिएगा, इधर इक्विटी शेयर लिखा हुआ है,
इधर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी लिखा हुआ है जिसमें हमारा प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर आता है, बट यहाँ पर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी भी लिखा हुआ है। मतलब इन दोनों को देखोगे आप, प्राइवेट प्लेसमेंट को देखोगे और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अंडर सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 सी को देखेंगे, तो दोनों में फर्क यही नजर आता है कि यहाँ पर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी भी हम इशू कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंदर हम नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली यही डिफरेंस है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, टू वन पर्सन और सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन लेस देन इक्वल 200 पर फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है टू वन पर्सन और सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन लेस देन इक्वल 200 पर फाइनेंशियल ईयर। यानी कहने का मतलब है कि पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, वो अलग अलग ढंग से मार्केट में अपना सिक्योरिटी इशू करती है, जिसमें अगर मेन हम प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करें, जो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी दोनों में अलाउ है, तो यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट के साथ साथ एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी होता है अंडर सेक्शन 62 के अनुसार, जिसमें हम इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर जो खासकर कन्वर्टेबल होता है उनको इशू कर सकते हैं, और जो ये नॉन कन्वर्टेबल पार्ट है ये प्राइवेट प्लेसमेंट में होता है। तो यहाँ तक आज वीडियो को हम समाप्त करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेथड ऑफ इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आज आप लोगों को क्लियर पता चल गया होगा कि कोई भी कंपनी जब मार्केट में आती है तो उसको कैसे मार्केट में शेयर इशू करना होता है। अभी हम बात करेंगे, मैं खासकर जो पब्लिक इशू है बच्चों, आईपीओ एफपीओ इस पर बात नहीं किए हैं, जो हमारा लेक्चर नंबर 10 आएगा वो पूरा पब्लिक इशू पर बात होगा, क्योंकि इसके बारे में पूरा का पूरा एक वीडियो बनेगा, इसलिए इसके बारे में हमने कोई खास ज्यादा बात नहीं किया। हमने पूरा बात किया प्राइवेट प्लेसमेंट पर, राइट इशू बोनस पर, स्वेट इक्विटी और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान पर था। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। कोई भी परेशानी हो पढ़ने के बाद तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी चीज समझ में नहीं आए फिर उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपकी जो भी डाउट हो वो दूर हो सके। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई भी करें। ठीक है।